हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गीत गाएगा उन्हें गुण गाएगा बेबसों का सहारा तो हमारे नबी है। बाजार की कुड़िया जा रही थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने, तो
तो किसी ने कहा आप कहाँ जा रही हैं, तो यूसुफ अलैहि सलाम को खरीदने, तो वहां तो बड़े बड़े बादशाहों की तिजोरियां फेल हो जाएगी, खरीद ना सकेंगे, आप खरीदने जा रही हैं, तो आप मुझे पता है, मुझे इल्म है, मालूम है, मैं खरीद तो नहीं सकूंगी, लेकिन अगर कल अल्लाह ने कयामत के मैदान में अगर ऐलान कर दिया कि बाजार मिस्र में मेरे यूसुफ को खरीदने कौन कौन आया था, उसको जन्नत में भेज रहा हूँ, तो उस लिस्ट में मेरा भी तो नाम चल जाएगा। हमें मालूम है कि हम जामी जैसे नामी नाते तो नहीं पड़ते, लेकिन कोशिश तो करें, क्या मालूम हेकल मैदान मेशर में अगर रब ने फरमा दिया आओ मेरे महबूब के कौन कौन सलाखा है उनको जन्नत में भेज रहा हूँ, तो उस लिस्ट में अपना नाम तो चल जाएगा। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने आलम तेरे नाज उठाए, अल्लाह ने बोलो तेरे नाज उठाए, अल्लाह ने तेरे नाज उठाए, अल्लाह ने सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु जाने आलम तेरे नाज उठाए, अल्लाह ने तेरे नाम से उठाए, अल्लाह ने
मनाए अल्लाह सजाना
खुदा की सुन्नत। आलम अरवाह में, रूहों की दुनिया में नबियों की रूहें मौजूद, सुनने वाली नबियों की रूहें थी, सुनाने वाला खुद खाली के कायनात था। और हर एक पैगंबर से यही जब ने फरमा दिया, जाओगे दुनिया में तो तेरा महबूब आएगा, जोर से बोलिए। हर एक पैगंबर ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हमारे आका की आमद आमद का तस्किरा किया, और हर एक पैगंबर ने नबी की आमद का तस्किरा किया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे शीश करीब आओ, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, जब तुमको दुआ करनी हो तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर दुआ करना, अल्लाह ताला फौरन दुआ कबूल कर ले। तो आपको कैसे मालूम? कहा, मुझे मालूम है, मैं 300 बरस तक रोता रहा, मेरी तौबा कबूल ना हुई, अल्लाह ने मुझे जन्नत से दुनिया में भेज दिया, मेरी तौबा कबूल ना हुई, एक दिन मैंने नामे नामे इसमें गए नामे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लिया, अल्लाह ने फौरन तौबा कबूल। अल्लामा जामी रूमी ऐसे ऐसे नबी के नाखा गुजरे हैं, जब वो मजार शरीफ की बार आका की बारगाह में हाजिरी देकर गुंबद खदरा से सरकार के रोजे से जब घर जाने को रुखसत होते, अर्ज करते आका हम अपने घर जा रहे हैं, तो कब्र अनवर से आवाज आती थी, बस सलामत नबी को पास आ, सलामती से जाना और वापस भी आना, जोर से बोलो। वो जामी लिखते हैं, अगर नाम मोहम्मद रा नयाबत शफी आदम, ना आदम याफ्ते तौबा, ना नूह अज़हर के बच्चे का, अगर नाम मोहम्मद, अगर आदम अलैहि सलाम नबी का नाम नहीं लेते तो आदम अलैहि सलाम की तौबा कबूल नहीं होती, और नूह अलैहि सलाम की कश्ती जूती पहाड़ पे जो जाके ठहरी है इसी नाम की बरकत से। सुभान अल्लाह, तो नबी का नाम है ही ऐसा, सुभान अल्लाह, जहां भी नबी का नाम लिया जाएगा वहां पर बरकतें होंगी। जिस खाने के दस्तरखान पर मोहम्मद नाम का बच्चा कोई आदमी बैठ जाए उस खाने में बरकत है, जिस घर में मोहम्मद नाम का आदमी रहता हो उस घर में खुदा की रहमतें बरसती हैं, बल्कि जिस घर में मोहम्मद नाम का आदमी या कोई बच्चा रहता हो उसके अड़ोस पड़ोस के घरों में भी खुदा की रहमत है। एक शायर ने कहा, नाम आपका जहां बदल जाएगा।
दे रहा था, लेकिन तशरीफ लाए तो जहां तारीख जुल्मन का दाता सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। असर बाकी न रखी बसमीन का जन्मगाने में, के अरब में चांद निकला चांदनी फेरी जमाने में। जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं था, नबी तशरीफ लाए तो ऐसा ज्ञान लेकर आए, ऐसा इल्म लेकर आए, इकरम ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक जरों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद ना थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हमारे नबी तशरीफ लाए फारान की चोटियों से कलमा हक बुलंद हुआ, देखते आपने ताइफ के मैदानों में पत्थर भी खाए, लेकिन इस्लाम की शान का सिलसिला जारी रहा जारी रहा। यहाँ तक के गरीब नवाज सरकार ताए रसूल बनकर हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो 90 लाख लोगों के दिलों में इस्लाम के दीपक रोशन हो गए। मदीने से दिलकश हवा आ रही है और दरे खाजा को खूब महका रही है। राजस्थान की धरती पर छाए तो धरती पर रहने वाले राजस्थान के दोरों में रहने वाले बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए, कारी कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए, और वही गाने वाले नबी के नाते पढ़ने लग गए। आज दुनिया वाले के तुम नारी को सम्मान दिलाने वाले, तुम्हारे पास क्या सामान है कि तुम सम्मान दिलाओगे? सम्मान दिया है काली जुल्फों वाले आका ने, कि देश नारियां भूखी रही थी वो भी फसलां सूखी रही थी। जब तक नबी नहीं आए चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था, सूखा ही सूखा था, नबी तशरीफ लाए तो हरियाली ही हरियाली हो गई। पूरे राजस्थान के चप्पे चप्पे पर मदारिस कायम किए और बच्चों को पढ़ा कर इन्हें दीन किसे इंशाल्लाह ताला ऐसे चमका दिया, वरना जब तक मदरसे कायम नहीं थे हमने इल्म नहीं पढ़ा। राजस्थान की धरती पर लोग दरूद फातिहा भी नहीं करते, हत्ता के शरीबरात का हलवा बनाते, शुभरात का हलवा बना के दरवाजा के कौड़ा के चेप देता कि बापड़ा बुढ़ा बढ़ेरा कब्रिस्तान वाए तो जीव गए, बुढ़ा बढ़ेरा तो क्या जीव गए, मकोड़ा जीव गए।
फातिहा लगाना भी नहीं जानते, लेकिन कहते हैं मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता, और दिन भी दिखलायो रे। हमारे आका का नाम इतना प्यारा नाम है कि जो नबी रो नाम ले वेला भी रो मुंह मीठो हो जाए। सरकार आला हजरत फरमाते हैं लब पे आता है जब नाम जनाब तो मुंह में खुल जाता है शहद नया। नाम मोहम्मद शहद सुमीठो ओ मारे मन भायो रे। अरब रा घोरा माथे अमृत जल बरसायो रे। नूर नबी जी चमक बीजड़ नूर नबी जी चमक बीजड़ प्रेम रा बादल छायो रे। जो अक्ष पर जलवागर हुए थे नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और मारवाड़ी शहर कहता है कि जाओ जिब्रील लाओ नबी जी ने अब चैन न आवत रे। सगड़ी बाता छोड़ नबी जी सारी बाता छोड़ नबी जी उम्मत ने बख्शवायो रे। मेरे अकाली सलाम और सलाम की बरकत वालों, आका की आमद आमद से पहले ये जो आज हम महफिल सजाए हुए ना, ऐसी महफिलें हर एक पैगंबर ने सजाई। जोर से बोलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखो। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे शीस अलैहिस्सलाम से कहा उनका वसीला लेना का वो है कौन का जाहिर में तो मेरी औलाद में से होंगे, हकीकत में अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं के तो उसे पैदा फरमाया। और सुने आज बहुत सारे लोग कह देते हैं कि नबी तो 40 साल के बाद बने थे, नबी तो पैदा हो ही गए। हजरत सैयदा आमना खातून फरमाती दुआ कर रहे थे रब्बी हबली उम्मती मौला मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे, तो उम्मत तो उसकी होती है जो पैगंबर होता है। जोर से बोलो आका तो फरमाते मैं कुन तो नबी हूँ आदम बैनल माय वक्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गए की मंजिले थे फरमा रहे थे। एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आका की बारगाह में हाजिर हुए जो फरिश्तों के सरदार है। आका ने फरमा जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है। तो आज किसी बड़े बुजुर्ग से पूछो, बूढ़े लोगों से पूछते हैं आपकी डीओ भी क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या, तारीख है पैदाइश क्या है, तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बेचारे उस जमाने में लिखने का जमाना का कम था, पढ़े लिखे कम कम, तो हॉस्पिटल से छुट्टी भी उस वक्त देते हैं जब नाम रख के और उसका जो है कार्ड में नाम लिख देते हैं और उसकी तारीख लिख देते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्गों से जब पूछा जाता है आपका आपकी जो है जन्म तिथि क्या है, तारीख पैदाइश क्या है, वो ये कहते हैं मैं डीओ भी तो नहीं जानता, हाँ इतना बता सकता हूँ ये स्कूल बनी थी या ये पानी की टंकी बनी थी जब मैं 10 साल का। बताइए अब वो डीओ भी कैसे बताते हैं कि पानी की टंकी बनी थी जब 10 साल का था, स्कूल बनी थी जब 15 साल का था, स्कूल के अंदर जाके देख लो उसकी सन तारीख जो है उसकी क्या लिखी हुई, कौन से सन में स्कूल बनी है, कितने बरस का इमे हो। तो हमारे आका ने पूछा जिब्रील बता तेरी उम्र क्या है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसकी आका मुझे तो इल्म नहीं है कि आप मेरी उम्र कितनी है, हाँ लगता इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक तारा चमकता था, 70,000 वर्षों के बाद एक तारा चमकता था, उसको मैंने 72,000 मरतबा देखा। मेरे रब की इज्जत की कसम मैं ही वो तारा
सोतेबा में हुई पड़ता है पारा नूर का, सबका लेने नूर का आया है तारा नूर का, गदा तू बादशाह भरते प्याला नूर का, नूर दी तो ना तेरा ते डाल सदका नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, वो काबे में चले गए हमेशा की तरह जो आप इबादत करने जाते हैं, और वक्त मिलादत जब करीब हुआ है तो माशाल्लाह सईदा आमना खातून फरमाती हैं कि मैंने सोचा ही था कि आज खानदान कुरैश की लुगाया औरतें मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता, इतने में मेरा घर औरतों से भर गया। औरतें कहने लगी मुबारक हो आमना, तेरे घर में नबियों का सरदार आने वाला। खिड़की को खोल के बाहर देख फरिश्तों की कतारें लगी हुई है, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह के नाम पे बलंद हो रहे। माशाल्लाह जब विलादत का वक्त करीब आया वो टाइम वो घड़ी माशाल्लाह नबी भी सबसे प्यारा तो 24 घंटे में वक्त भी सुबह का सबसे प्यारा। आला हजरत फरमाते जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज साद बिल्ला को सलाम। जिस घड़ी में और जिस वक्त में नबी तशरीफ लाए उस घड़ी पर आला हजरत ने लाखों सलाम पढ़े, नबी पर कितने पड़े होंगे करोड़ों दरूद। मेरे आका ने सलात व सलाम की तरह दीवानों का बाप अगला देख ले, सईदा आमना खातून फरमाती है कि मुझसे नूर निकला, अल्लाह ने भेजा भी नूर, आया भी नूर, निकला भी नूर, नूर के झलक के सदके में सईदा आमना खातून रजी अल्लाह तआला फरमाती है कि मैंने मक्के में रहकर मुल्क के शाम के महलों को देख लिया, बसरा की ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। जब सय्यदा आमना खातून ने नबी के नूर के झलक के सदके में मक्के में रहकर मुल्क के शाम के महलों को देख लिया तो जब नबी खुद नूर हैं वो मदीने में रहकर हमारे माशाल्लाह तबारक व तआला हमारे मजलिस को मुलाहिजा फरमाते हैं, देखते भी हैं सुनते भी हैं, आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हम हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुन लीजिए हम और आप तो मोबाइलों के मोहताज हैं, आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह ने फिर महबूब को कान ऐसे दिए हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाख नबी को दूर न समझिए, अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। अब बाद लोग कहते हैं वो करीब नहीं है तो वो तो मोमिनों के करीब है, हाँ ये क्लियर मसला है, मोमिनों के ना पुराने पाक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनों के नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, इसलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर भी हैं नाज़िर भी हैं। सुभान अल्लाह, नबी तशरीफ लाए तो माशाल्लाह सय्यदा आमना खातून फरमाती है उसे नूर निकला और माशाल्लाह कोई गंदगी नहीं, कोई आलाइश नहीं, साफ सुथरे नबी मुश्क पा रहा था कि माशाल्लाह नबी तशरीफ लाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बाल सुलझे हुए, कंघी की भी बीच में मां निकली जिस राह चल गए हैं कुछे बसाती है। सुभान अल्लाह, इधर तो नबी तशरीफ लाए, नबी ने इधर सजदा किया, उधर काबे ने मुजरा किया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि काबा झुकने लगा आमना के घर की तरफ, मैंने अर्ज किया मौला आज तक कभी काबा नहीं झुका, आज काबा क्यों झुक रहा है, आवाज आई आज काबे का भी काबा आ गया, तेरी आमद थी कि बेतुल्ला मुजरे
को झुका, तेरी हैबत की हर पत्थर धरा के गिर गया, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। नबी तशरीफ लाए तो काबा झुकने लगा। अब देखो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि काबा शरीफ नबी की आमद की खुशी में 3 दिन और 3 रात तक झूलता ही। आप देख लो आज काबा भी झूल रहा। मुफ्ती आजम सरकार फरमाते हैं, तुम आए छठी बाजी, रौनक हुई फिर ताजी, काबा भी न फिर काबा कर डाला तब बुतखाना। नबी तशरीफ लाए तो काबा खुशी में झूमने लग गया। कुरैश मक्का ने नबी का पहला एजाज देखा कि काबा झूम रहा है। आज हम खड़े खड़े सलाम भी पढ़ते हैं तो लोग फतवा लगा देते हैं, अरे ते कड़िया कड़िया सलाम क्यों पढ़ो, तो थे कड़िया कड़िया पढ़ लिया करो। पढ़ो तो सही लेकिन पढ़ते नहीं, खाली लड़ते हैं। हम तो खड़े खड़े भी पढ़ते हैं पर हम तहियात में बैठे बैठे ये सलाम अलैका यूहन्नबी पढ़ते हैं, और रात को सोते हैं तो सोते सोते भी पढ़ते हैं, मैं सो जाऊं या
साहब को बुलाते थे, अब तो उनतौन गणी लोगों को जल्दी जल्दी तहनीक कराते। तहनीक का मतलब भूखे देना है, किसी नेक से भूखे दिलाओ ताकि वो भी नेक बने। सुभान अल्लाह। आजकल तो कोई पास में बैठा तो भूखी छेप दी अलग, नहीं नमाज नहीं पढ़ो तो तू क्या पढ़ लेगा। पहले जमाना था हमारे आका की बारगाह में सहाबाए किराम अपने दादों को बच्चों को लाते, आका बेटा पोता नवासा हुआ है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में लेके उसके मुंह में लुआ पे दहन डालते, लुआ पे दहन डालते। वो बच्चे जब बड़े होते तो नारा लगता था कि नबी का हुक्म हो तो कूद जाए समंदर में, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए समंदर में, और जहां तो मैं हो करते नारा अल्लाह अकबर। कुरैश मक्का तो क्या चीज है, देवों से भिड़ जाए और सीना में नेजा बनकर हो तो सीने में गड़ जाए। सुभान अल्लाह। घुंटी उल्टी सीधी देंगे तो फिर कौन उठेगा? समुंदर में कूदना तो बहुत बड़ी मारते है, बदर में नहीं उठते लोग। के मुझे तो एलर्जी है। किस चीज से एलर्जी है? कि मुझे ठंडे पानी से जुकाम हो जाता है। अरे खुदा के बंदे, कितने सारे बेचारे बुजुर्ग हैं, 50 साल 60 साल के लोग, सुबह सर्दी में जल्दी उठकर चिटुरते चिटुरते मस्जिद में आकर ठंडे पानी से वजू करके रोज नमाज फजर अदा करते हैं, उनको तो जुकाम होता ही नहीं। और तुझे इराक की कामड़ में भी जुकाम होता है? ये एलर्जी नहीं है, ये बहुत बड़ा रोग है। इस रोग को काटना होगा तो आशी के तभी बनना पड़ेगा। रात को मौलूद में तो कहते हैं इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, और फजर में रात में पानी पड़ दो। ये इश्को मोहब्बत नहीं है, सच्ची मोहब्बत उसको है जब पता चलता है कि फजर की नमाज में पहली रकात में तकबीर उला के साथ खड़ा होता है वो आशिक रसूल होता है। इश्को होगा सच्चा, मोहब्बत होगी सच्ची, तो ये पहुंचेगी मस्जिद में। वरना क्या है? इमाम साहब रख दिए हैं कि वहां सब रोज नमाज पढ़ाते हैं, अजान देवे कि नहीं और होते हैं, बहुत अच्छे हमारे। अरे इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए रखे गए, पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग अजान फजर से एक घंटा पहले उठे, नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद अली रहमान जो आला हजरत के शहजादे हैं, जब नमाज का वक्त होता ऐसे तैयार होते थे जैसे दूल्हा तैयार होता। और हम तो मस्जिद में आ जाते जैसे देर में सी हैं। मस्जिद में आप तशरीफ लाएं, अल्लाह का घर है सुभान अल्लाह। आप सीधा कदम मस्जिद में रखिए और यूं पढ़िए अल्लाह मफ्ता ये अब्वाब रहमती का, ये अल्लाह मेरे लिए तू अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे सुभान अल्लाह। मस्जिद के बाहर लिखते हैं तो भी लोग नहीं पढ़ते, पढ़ते नहीं है। आपने मेथी के लड्डू बनाकर शानदार, सर्दी आ रही है डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख देना कि मोटी बन जाएगी। अरे मोटी कैसे बनेगी जब उसको यूज ही नहीं करोगे? हैं आज लाखों रुपए लगा के लोग मस्जिदों के बाहर इतने शानदार गेट लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, दुआएं लिखवाते तो भी लोग पढ़ते ही नहीं। फिर कहते कौन सा बरकत ही नहीं है? अरे तेरे में खुदा हरकत ही नहीं है, भजन में कोई उठता ही नहीं है, चीटियां कमेलियां उठ जाने लगे ने मोटा मोटा कमेला के उठ ये सोते ही रहते। फिर कहते बरकत नहीं होती, बाद लगे थे कौन सा पैसे आते तो है लेकिन जाते कहा है, जाते कहा जेब भाई नहीं लगते कि बरकत नहीं होती। बरकत ऐसे नहीं होती, बात लोग कहते मौल साहब कमाते बहुत है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, सुकून नहीं है। तो सुकून कोई घंटा करके ठेले में थोड़ी बिकता है। सुकून अगर चाहिए, कुरान ने बयान किया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अपने घरों में फोटो लगे हुए, जानदार तस्वीरें लगी हुई है, ये फलां बाबा साहब, ये ख्वाजा साहब, ये गोश पाक पीर साहब, ये सब फर्जी पीर है। अगर फोटो होता तो सबसे पहले हमारे नबी का फोटो। आज मस्जिद में कोई फोटो दिखता है कि नहीं बताइए? अल्लाह के घर में फोटो जायज नहीं है, है? तो फिर अपने घरों में कहां से जायज? तो माथे फोड़ के मर जाओगे
बरकतें नहीं होने वाली। आज लोगों ने अपने घरों में तस्वीरें लगा ली बड़ी बड़ी और लुगाया ने तो ठा पड़ी तो गई मेले में, मेले में उर्स हो गया, बड़ी बड़ी औरतों के खूबसूरत फोटो ला के चिपका दे। और अगरबत्ती के भाई मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, तू उठ के दुआ ही करती क्योंकि वो फोटो लगा हुआ है, दुआ मत दुआ कर रही है और वो रेडीमेड दुआ का सिस्टम हो गया। मेहनत करनी पड़ेगी और ये जानदार तस्वीरें अपने घरों में, पूरा का फोटो बताओ वहां साहब पूरा का, ऐसा लगता है कि हुजूर के साथ मेरा भी खुद ही गला है। इमाम हुसैन का फोटो तीर लगे हुए और खून निकल रहा है और कहते ये तो वो है इमाम हुसैन का घोड़ा है। ये सब तुम्हारी घरों की बरकतें खत्म करने के लिए दुश्मनों ने फोटो छापे हैं। तुम्हें अकल नहीं होगी तो तुम बर्बाद होते रहो। अगर बेचारा बोल कोई मौलवी सही बात कहता है तो उस मौलवी के पीछे ही पड़ जाता। आप कुछ सोचो, चलो आलिम का बात काम तो बता देगा, फोटो कैसे देखो बुराक में मेरा कौन है जिसने बुराक देखी, पीछे घोड़े का फोटो लागे लुगई का फोटो बाल दिख रहे हैं बताइए, बुरा का फोटो इमाम हुसैन के घोड़े का फोटो, किसी घोड़े का इमाम हुसैन का मोस पाक का ख्वाजा साहब का, किसने ख्वाजा साहब को देखा भाई उनकी तस्वीर खींच ली तुमने, किसने हुजूर गौसे आजम को देखा, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है ना तो नमाज की पाबंदी करो। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। लोग अगर ये ऐलान कर दिया तो लोग को मस्जिद से इमाम साहब को मस्जिद से निकालते हैं। हाँ ये खतरनाक, आप जो ऐलान मत कीजिए, याद रखिए गौसे आजम सरकार तो वो है जिनको अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया इल्म की बरकत से। जोर से बोलिए खुद फरमाते दरअसल इल्म हत्ता सिर्फ कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। ये जितने भी हैं चाहे हाजी सरकार हो, गौसे आजम सरकार हो, गरीब नवाज सरकार हो, सादी पाक हो, कोई भी वली उस वक्त तक वली नहीं बनता जब तक कि वो आलिम ना हो। पहले वो आलिम होता है फिर विलायत के दर्जे पे फारिज होता है। जाहिल कैसे वली बन जाएगा बताइए? आज कितने सारे लोग लट्टे लगा लिए, कड़े पहन लिए, इल्लल्लाह की जर्ब लगाते हैं, मस्जिद में एक टाइम आते नहीं है, ऐसा लगता है कि मदीने से सीधा ये आए हैं। याद रखिए उस वक्त तक कोई दुआ मकबूल नहीं होने वाली है, कोई नेकी कबूल नहीं होने वाली है जब तक कि तुम नमाज अदा नहीं करते। आज नमाज अदा करते नहीं है जिसकी वजह से आज आज हमारे घरों में बेबरकती, रिश्त में बेबरकती, आज हमारे खानदान में बेबरकती, आज घरों में सुकून नहीं, दिलों में सुकून नहीं, क्यों नहीं है? इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाज की पाबंदी करोगे चेहरे पे नूर आएगा, दिलों में सुरूर आएगा। नमाज की पाबंदी कीजिए, उठ बांध कमर क्या करता है फिर देख खुदा क्या करता है। अपने घरों से तस्वीरें हटाइए, जायज तस्वीरें वो हैं आपको लगानी है तो गरीब नवाज सरकार के धोले गुंबद का फोटो लगाओ, जोर से बोलो गुंबद कदरा का फोटो लगाओ, काबे शरीफ का फोटो लगाओ और अपने घरों के बाहर लिखाओ या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो बातिल की तस्वीर मिटाओ आगे बढ़ते जाओ, ऊंचा रहे इस्लाम का परचम हर सू ये लहराओ, हर सू ये लहराओ, लिख दो ये हर एक जगह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नात नबी की पढ़ते पढ़ते निकले रूह बदन से, जन्नत के फूलों की खुशबू आए मेरे कफन से, आए मेरे कफन से। नात नबी की पढ़ते 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 निकले रूह बदन से, जन्नत के फूलों की खुशबू आए मेरे कफन से, आए मेरे कफन से। ओ मेरी तो बद पे भी लिखा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह।
करना हमारे आका की सुन्नत है। बाल मुड़ाइए, बच्चों के बाल सर मुड़ाइए, साथ में दिन अकीका कीजिए, बालों के बराबर चांदी सदका करना सुन्नत है। जोर से हमारे आका का अकीका किया। अब्दुल मुत्तलिब ने दावत की, पूरे मक्के के सरदार काबे के मुतवल्ली, अल्हम्दुलिल्लाह जब मक्के वालों ने दावत खाई तो पूछा नाम क्या रखा है, का नाम रखा है मोहम्मद। जोर से बोलो सुभानअल्लाह। का नाम तो बड़ा प्यारा है, का नाम ही प्यारा नहीं है, मुंडा देख लो, चेहरा देख लो, वो चांद शर्मा का सुभानअल्लाह। चांद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हमारा आका का चेहरा साफ। अब्दुल मुत्तलिब जब काबे में काबे के पास में थे, एक औरत से मुलाकात हुई, आपने फरमाया तुम कौन हो, कहां से आई हो, तब मेरा नाम हलीमा सादिया है। जोर से बोलिए। आपने फरमाया वाह वाह, खूब खूब गोदो खसलते हैं, हिलम भी और साथ की। आप खुश थे, कहा कैसे आई, क्या बच्चों को लेने, क्या वो पहले और जाए थी, कहा वो हमारे साथ थी लेकिन उनकी सवारियां तेज चलने वाली थी, जल्दी जल्दी आ गई, मेरे पास मेरी सवारी था, क्योंकि ऊंचनी है दर मजला दर कोसा होड़े 12 घाटियां पार करके मक्का पहुंची, इतनी थकी थी, चलते चलते थक जाती तो बैठ जाए। अब पहुंचे हम, कहा तुम्हें बच्चा नहीं मिला, नहीं, कब मेरे घर में पोता है, ले जाओ तो दिखाओ, कब वो आमना का घर जाकर गई। सईद आमना खातून ने दरवाजा बजाया, तो एक तो कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी कि बेल बजाएंगे या कि स्लिप लिखेंगे आई वांट टू मीट यू, जब जाकर किसी से मुलाकात हो, ऐसा नहीं था, बल्कि माशाल्लाह तबारक तआला दरवाजा बजाते ही सईदा आमना खातून ने कहा तुम कौन हो, कहा मैं हलीमा सादिया हूँ, मुझे बाबा ने भेजा है, बच्चा दिखाओ, मरहबा कहा, अंदर ले गई, बच्चा दिखाया तो माशाल्लाह तबारक तआला बच्चे का चेहरा देखने के लिए जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह चादर हटाई है नबी के चेहरे से, ऐसा लगता है कि आसमान के चांद से बदली हट गई। इतने खूबसूरत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के माने हो, नबी के सीने पे हाथ रखा तो नबी ने नबूत वाली आंखें खोली, नूर निकला दोनों आंखों से जो आसमान तक चला। हलीमा सादिया कहती आमना ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा, कैसे देखी कि सईदा खातून, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आसान में साबित लिखते हैं वह आसन में कलम तरकत तो आएगी वह अजमल में कलम तरी दिन निसा या रसूलल्लाह, आप जैसा हसीन जमील कभी मेरी आंख में देख, आंख देख की कब, आप जैसा आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं। خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء, आप हर ऐब से पाक और साफ पैदा किए गए, गोया कि अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसा आपने पैदा होना चाहा। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं लम याति नजीरुक फी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसु ए तुझको शहर दूसरा जाना। हलीमा सादिया को जब बच्चा पसंद आ गया तो कहा बच्चे को ले जाओ, तो कहा अभी मेरे शोहर मेरे साथ है, पहले मैं उनसे पूछूंगी फिर। आजकल बहुत से काम ऐसे है जो औरतें अपने शोहर से मशवरा नहीं करती है, बस जाएगी जिमेगी खाना वाना खाएगी वही बच्ची की सगाई करके आ जाती, शाम को कहते गुड्डू के पापा हाँ बोलो यस मैडम कि मेरे बच्ची की सगाई कर दी, कहा जहाँ जिमने गई होगी मोड़ी बांध दी सगाई जगह, तो शोहर कहता है तू तो पूछती नहीं है सगाई करती फिर कि जिमरो मैंने आपको मिस कॉल किया में सगाई आती खाने भरी, आज जाके देखो बड़ी बर्बादी है, मशवरा करो, मशवरा करने में हमेशा बरकत है। और सुने हलीमा सादिया गई और अपने शोहर को कहा था ऐसा खूबसूरत बच्चा देख के आई हूँ, कैसा खूबसूरत बच्चा देख के आई हूँ, इतना खूबसूरत बच्चा देख के आई हूँ जिसके चेहरे में चांद दे रहा है। अच्छा पसंद आ गया तो लेके आ जाओ, गई बच्चे को दिया दूध पिलाया, कभी दूध नहीं आया जिस पिस्तान से नबी ने लब लगाए दूध जारी। एक साइड से नबी दूध पीते हैं दूसरे पिस्तान से नहीं पीते, हलीमा की एक बच्चा दूध पीने वाला और था तो नबी ने उसका हिस्सा छोड़ा था। आज अपने भाइयों का हिस्सा छोड़ते हैं
हम तो मिलाद शरीफ में नारा लगा के नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे और कचेरी में जाने के भाई का फलोर भी नहीं छोड़ेंगे, खेत भी छोड़ेंगे। सुन लीजिए, अगर नबी का दामन पकड़ा है तो मजबूती से पकड़े, अपने भाई का हिस्सा छोड़िए। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, भाइयों के लिए करके पिस्ता करें तो पीतों की नस्बत पे काम। अल्हम्दुलिल्लाह, हलीमा सादिया बच्चे को लेके आ गई, दूध पिला के सुलाया। सुबह बाप के शोहर ने कहा, हलीमा लगता है ये बच्चा बड़ा मुबारक है। तो आपको कैसे पता चला? हमेशा हमारा बच्चा अकेला रोता है, आज दोनों बच्चे दूध पी के आराम से सो रहे। कहा, मुझे भी ऐसा लगा, इतना मुबारक बच्चा है, मेरे एक पिस्तान से कभी दूध नहीं आया, नबी ने लब लगाए दूध जारी हो गया। और ये बच्चा इतना समझदार है, एक साइड से दूध पीता है, दूसरे साइड से हमारे बच्चे के लिए दूध छोड़ता है। इतनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। तो हलीमा सादिया ने कहा, चलो रवाना हो जाओ। ऊंटनी में सवार हुई और रवाना हो गई। वो औरतें जो पहले जा चुकी थी उनको भी क्रॉस करने लगी। जैसे हलीमा सादिया सवारी पे सवार हुई है, एकदम सवारी तंदुरुस्त हो गई। जोर से बोलो और ये सवारी ऐसे नहीं कि चल रही है, बल्कि ऐसा लग रहा उड़ रही है। सवारी खुद कह रही थी, हलीमा मेरी पुश्त पे जो बच्चा है आम बच्चा नहीं है, बल्कि नबियों का सरदार है। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती है, जिधर जिधर से हमारी सवारी गुजरती थी पूरा इलाका खुशबू से महक रहता है। आला हजरत फरमाते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। सुभान अल्लाह। एक पंजाबी शायर ने शेर के अंदर इस वाक्य को समाया है, मैं आपको सुना दूं एक बार। बोलिए सुभान अल्लाह। सल्लल्लाह सुभान अल्लाह, 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 सल्लल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया वाले कहते हैं चांद पे पहुंचने वाले, बेशक चांद पे पहुंचिए, बड़े मोड़ा घना पुलिया। हमारे नबी तो वो हैं जो पालने में झूला झूल रहे हैं, इशारा किया तो चांद झुकने लग गया। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना मोर का। पंजाबी में इंडे को जो झूला होता है उसको पींगा कहते हैं। सुन लीजिए आप, पंखे चलते पहिए पिंगा मलते पहिए, लोरिया सोना में पहिए की में झूला नबी दा झूलाया हलीमा। बोलो सल्लल्लाह सुभान अल्लाह, सल्लल्लाह सुभान अल्लाह, सल्लल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे घर में आ जाते हैं, क्या कहते हैं, अच्छी चादर बिछाओ, अच्छी जगह बिछाओ, कि नाई के रसूल आ गए। हलीमा का क्या हाल होगा, इसके घर में खुद रसूल आ गए। पंजाबी शायर ने यूं कहा है, हलीमा हलीमा दर कभी देखे कभी सरकार नोमे सरकार नो में खेल केड़ी सेज तेल
बरकतें नहीं होंगी, हम तो यहाँ नरहट शरीफ में नबी का मिलाद सजा कर उनका नाम ले लेते हैं तो बरकतें। और सुनो बस टाइम काफी हो चुका है, और हलीमा सादिया ने कहा हमारी बरकतें हुई, रहमतें हुई, इसीलिए तो नबी की मिलाद सजाते हैं। आज लोग मुलुक करने लगे तो फालतू खर्चा करते हो, ये करते हो, वो करते हो। सुनो बाद लोग कहते हैं जितना तो पैसा मिलाद में खर्चा करते हो इतना किसी मेवा को दे देते, मेवा को देने का ढंग भी इसी मिलाद वाले आका ने बताया। लोग से बोलिए कि तुम खर्चा करते हो, अरे क्यों नहीं कर देंगे, खर्ची हमें इसी दर से मिलती है, हम तो खर्चा भी करते हैं और उनके नाम का चर्चा भी करते हैं, खाते ही तेरे दर का, पीते ही तेरे दर का, पानी ही तेरा पानी, दाना ही तेरा दाना। मारवाड़ी शायर कहता जी मेरी कावा बाजरी तेरी पजामा हाजरी, नबी का खाते हैं और नबी का खाते हैं, जोर से बोलो। अब वो नहीं है कि खावे गोरता करे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे राजम खाने खुरवाने वाले। कोई कहता है सुनो के नबी के दर से मुझे नहीं मिलता, मंगते तो मंगते कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। आला फरमाते रब ही मौती यही कासिम देता वो भी दिलाते यही उसका है खिलाते यही। हम तो नबी का गाते हैं, नबी का गाते हैं और इंशाल्लाह तबारक व तआला गाते रहेंगे और नबी की मिलाद सजाते रहेंगे। और अबू लहब इतना खतरनाक नबी का दुश्मन, नबी को सागर का को एक नंबर चाचा था। मरियम बच्चे भी ने किसी ने ख्वाब में देखा, हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा कि तारीख का ही हालत है, कब मैं तो पढ़ू जहन्नम में मारे तो लंपल लागे, लंपल तो जल रहा है जहन्नम में, पीर का दिन आता है तो मुझे इनको आंगड़ियों से ठंडा मीठा पानी मिलता है। क्यों मिलता है? जब नबी पैदा हुए तो उसके खातिमा ने आता था मुबारक हो तेरे भतीजावा है, तो बदाई में उसको आजाद कर दिया, आंगड़िया को आंगड़िया का इशारा किया तो रब ने वादा फरमाया आला हजरत ने तर्जुमा किया बेशक अल्लाह नेकों का नेक जाए नहीं करता, थोड़ी सी भी नेकी करोगे अल्लाह तुम्हें बदला बदला अता करेगा। नबी का ये नंबर दुश्मन था, लेकिन उसको भी पीर को एक हफ्ते तक जलता रहता है, बढ़ता रहता है, पीर आता है, पीर का दिन आता है, पीर का दिन, पीर को पीर क्यों कहते हैं? ये दिनों का पीर है, जोर से बोलो, सारे दिनों का पीर है, ये पीर नहीं होता तो कोई दिन नहीं होता। इसलिए सुन लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीर के दिन पैदा हुए तो माशाल्लाह तबारक व तआला जिस दिन नबी पैदा हुए उंगली का इशारा अबू लहब ने किया, पीर को उसको मीठा पानी देता। जब नबी के दुश्मनों को अल्लाह ने अलग कर दिया है मीठा पानी, तो माशाल्लाह नबी के दीवानों को क्यों नहीं होता? वो खर्चा करो, अपने घरों पे झंडा लगाओ मिलाद नबी की, आमद करो जोर से बोलो, आका की मिलाद है, कोई के में झंडा नहीं लगाओ, तेरे एक के झंडा लगाने नहीं लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? आला हजरत फरमाते हैं फर्क शिमा ले तेरी शौकत का वो लोग क्या जाने, खुसरव अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। झंडा लगाइए खुशी के हर दिन और सुनो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ऐसी मिलाद शरीफ हो सब लोग मिलजुल के बैठें, खर्चा करें, पैसा खर्च करें और माशाल्लाह तबारक व तआला मदीने शरीफ जाने की तैयारी। कितने सारे लोग हैं जो शादियों में खर्चा करते थे लेकिन मदीने नहीं जाने के, होता ही करते बाद में करेंगे, क्या बाद में करो, कभी जवानी में इबादत करो, कर जवानी में इबादत का ही अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात कर पड़ो। सभी लोग माशाल्लाह मदीने शरीफ जाने के लिए कौन कौन तैयार हो रहे हैं? माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप इतना बेगा हाथ खड़ा कर दिया तो फार्म लेके आओ, दुआ करो माशाल्लाह सबके मदीने का फार्म बन जाए। बस एक शेर में मदीना जाने के लिए सुनाओ आप तमाम नौजवानों की तरफ से, फिर माशाल्लाह ताला
सलाम पढ़ेंगे एक बार बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाउ इज ब्यूटीफुल मदीना वेरी वेरी गुड मदीना माय चॉइस इज मदीना फाइन इज मदीना मदीना वेरी गुड मदीना हाउ ब्यूटीफुल मदीना वेरी वेरी गुड मदीना माय चॉइस इज मदीना हाउ फाइन इज मदीना पूरा मनमान जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह फरिश्ते भी खड़े हो गए दुरूद सलाम पढ़ रहे थे आइए हम भी आपका की बात का कोशिश सफल करें।